दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एडलवेस में अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है। आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एडलवेस में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब आपके अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में आप दूसरों को रेफर कर सकते हैं। अगर वो आपके लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ₹500 का बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होंगे ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बैंक प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। बैंक प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं कैंसिल चेक, इसके अलावा बैंक का स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करना है और उसका फोटो खींच के रखना है, क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। सो दोस्तों, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हैंडी रखने होंगे, तो आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे आप एडलवेस में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। आप भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे। और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स यहां पे एंटर करने हैं। तो आपको एंटर करना होगा आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद में आपका लास्ट नेम, यहां से आपको अपनी सिटी एंटर करनी होगी। और जैसे ही आप सिटी एंटर करेंगे यहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको एंटर करना होगा आपका ईमेल आईडी, उसके बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करना है और नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, वो वन टाइम पासवर्ड आपको यहां पे एंटर करना होगा। मुझे ओटीपी मिल चुका है, चलिए मैं यहां पे एंटर कर देता हूं। जैसे ही मैंने ओटीपी एंटर किया, आप यहां पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों, आपको सिंपली क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहां पे लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहां पे एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद में दोस्तों, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे प्राइमरी डिटेल्स दी गई है, यहाँ पे मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है एज पर पैन कार्ड। उसके बाद में मेरा एड्रेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिन कोड भी दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया भी दिखाई दे रहा है, सिटी भी दिखाई दे रही है और मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ चुका है और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में सिंपली मुझे क्लिक करना होगा वेरीफाई ईमेल के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मुझे एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा और वेरीफाई करना होगा। तो मुझे ओटीपी मिल चुका है, चलिए मैं उसको एंटर कर देता हूं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों, नीचे सेकेंडरी डिटेल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जेंडर दिखाई दे रहा है, मैरिटल स्टेटस दिखाई दे रहा है, फादर का नाम दिखाई दे रहा है, मदर का नाम दिखाई दे रहा है। और अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तो मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, वो भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों, नीचे ये पूछ रहा है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, सो क्या मैं पॉलिटिकली एक्सपोज हूँ या नहीं हूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, नन के ऊपर क्लिक करके रखना है। और उसके बाद में आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्स इन इंडिया, आई डू नॉट पे टैक्स इन यूएसए और एनी अदर कंट्री। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप किसी और कंट्री में भी टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे यस पे क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है एनुअल इनकम का, सो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप एनुअली कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों, नेटवर्थ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मैं अपनी नेटवर्थ एंटर कर देता हूँ और उसके नीचे पूछा गया प्लेस ऑफ बर्थ, तो मेरा बर्थ कहाँ पे हुआ था वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर दोस्तों, नीचे की तरफ एक सवाल पूछा गया है, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड यू लाइक अस टू सेटल अनयूज फंड बैक टू योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जो अनयूज फंड होगा उसको कितने महीने के अंदर ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट के अंदर सेटल कर देना चाहिए, मंथली या फिर क्वार्टरली, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं क्वार्टरली रहने देता हूँ।
उसके बाद में दोस्तों अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने बैंक डिटेल्स की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपने बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको दो ऑप्शन दिए गए, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट। सो आप अपने डीमैट अकाउंट के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहें तो अपना सेविंग अकाउंट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो करंट अकाउंट भी कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, करंट अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। अगर करंट अकाउंट आपकी कंपनी के नाम पे होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ और एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना होगा, तो चलिए मैं आईएफएससी कोड भी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे MICR कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है और मेरा अकाउंट जिस बैंक में है उसके डिटेल्स भी नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो उसका डिटेल भी नीचे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट प्लान का ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे दो प्लान है, लाइट प्लान और इलाइट प्लान। तो इन दोनों में से आप जो भी प्लान सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले वाला ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको सिलेक्ट सेगमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको सेगमेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट यही रहने देता हूँ और उसके बाद में सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एडिशनल प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल पूछा गया योर मार्केट एक्सपीरियंस। सो मेरा मार्केट एक्सपीरियंस कितना है वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सो मैं यहाँ से 1 साल से 3 साल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला सवाल है योर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। सो मैं किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ मतलब 30 दिन से कम के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म करता हूँ, मीडियम टर्म करता हूँ, लॉन्ग टर्म करता हूँ, या फिर नॉट श्योर। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में रिस्क बिहेवियर, तो मेरा रिस्क बिहेवियर कैसा है वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सो दोस्तों आपका रिस्क बिहेवियर जैसा भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है योर करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, सो इसमें से जो भी आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो असेट्स पे क्लिक कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो नो आंसर पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया प्रोडक्ट्स यू वुड बी इंटरेस्टेड इन फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इनमें से कौन से प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, तो आप कोई भी टॉप 5 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 ही सिलेक्ट करता हूँ, स्टॉक एंड इक्विटी और IPO। उसके बाद में सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई पर्सनल डॉक्यूमेंट। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल फोटो, मुझे अपना सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। सो मैंने सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वाया व्हाट्सअप और अपलोड नाउ। सो अगर मैं चाहूँ तो व्हाट्सअप की मदद से भी अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता हूँ और या फिर मैं तुरंत अपलोड करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में मुझे बैंक का प्रूफ सबमिट करना होगा और बैंक के प्रूफ के तौर पर मैं या तो अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ या फिर कैंसिल चेक दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ से बैंक का स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मुझे मेरा सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके रखना है और उसका फोटो खींच के रखना है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप PNG फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको JPG या JPEG फाइल ही अपलोड करना होगा। सो मैं यहाँ से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद में सिंपली आपको क्लिक करना होगा सबमिट के ऊपर। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विदिन 30 मिनट्स में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट अभी अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। आप देख सकते हैं पैन कार्ड भी पेंडिंग अप्रूवल है, एड्रेस प्रूफ भी पेंडिंग अप्रूवल है, फोटोग्राफ, बैंक प्रूफ, सिग्नेचर, सब कुछ पेंडिंग अप्रूवल है। सो मुझे यहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ेगा और कुछ देर रुकने के बाद में मुझे इनकी तरफ से एक मैसेज आएगा जिसके अंदर मुझे एक लिंक मिलने वाला है, उस पर मुझे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ देर रुकने के बाद में मुझे इस तरीके का मैसेज आ चुका है। जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है और फॉर्म आईडी लिखा हुआ है और नीचे एक ऑप्शन दिया गया ई साइन, तो सिंपली मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फाइनली मेरे सामने NSDL की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे मेरा आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और ऊपर एक चेकबॉक्स दिया गया है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर मेरे आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उसके ऊपर मुझे एक OTP मिलेगा, उस OTP को मुझे यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, कांग्रेचुलेशन ई साइन सक्सेसफुल। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग और डाउनलोड साइन डॉक्यूमेंट। तो सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग के ऊपर। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है अकाउंट ओपनिंग कंप्लीटेड, मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है और अकाउंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो भी ईमेल आईडी एंटर करेंगे उसके ऊपर भी आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो डिटेल एंटर करके आप लॉगिन कर
सकते हैं और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। एप्लीकेशन का नाम है एडलवाइज अलायंस पार्टनर। ये एप्लीकेशन आपको सिंपली इंस्टॉल करनी है और उसके बाद में ओपन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर आपको आपकी सारी एक्टिविटी दिखाई देने वाली है कि आपने कितने लोगों को रेफर किया वो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो दोस्तों, अपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन लाइन दिखाई दे रही है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रेफर नाउ के ऊपर और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक रेफरल लिंक भी मिल चुका है। सिंपली आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके लिंक से अकाउंट ओपन करवाता है तो आपको 500 रुपीज का रेफरल बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे एडलवेज में अकाउंट ओपन करना कितना आसान है। इसके अलावा आप रेफर करके भी 500 रुपीज तक कमा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रेफर करना है। अगर वो आपके लिंक से अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है। आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।